दोस्तों मैं आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ वजीज एडवेंचर्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे लव बर्ड की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना है, लव बर्ड की ब्रीडिंग प्रोग्रेस लास्ट तक देखनी है। बहुत से ब्रीडर बोलते हैं कि लव बर्ड अच्छी ब्रीड नहीं करते, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ के जो लव बर्ड्स हैं, जो हमारे यहाँ की ब्रीड लाइन है दोस्तों, वो बजीज पैरट की तरह ब्रीडिंग करते हैं। ये आप देखें, पहले बॉक्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तीन बच्चे हैं दोस्तों पहली बॉक्स में, जो कि तीनों के तीनों स्प्लिट ऑफलाइन हैं। दोस्तों ये बर्ड मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ आपके मनोरंजन के लिए, ताकि आपको पता लगे स्प्लिट ऑफलाइन क्या होता है और आपका यूविंग क्या होता है। दोस्तों ये सारे बच्चे हमारे यहाँ की होम ब्रीड है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि सारे स्प्लिट ऑफलाइन तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, उसके साथ साथ सारे यूविंग हैं। दोस्तों ये यूविंग इसलिए आए हैं क्योंकि दोस्तों मैंने जो मेल लगाया है वो लगाया है ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट वॉरेट ऑफलाइन, और इसकी जो फीमेल है दोस्तों वो है पार ब्लू फिशर यूविंग में। तो इसलिए दोस्तों सारे बच्चे यूविंग में आ गए, ये बहुत अच्छा रहा। और ये जो मेल हैं सारे दोस्तों, ये बहुत काम के मेल हैं। दोस्तों मैं हमेशा से आपको बताता हुआ आया हूँ कि ये जो फिशरी होती है हमेशा ऑफलाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। और दोस्तों ये जो फिशरी है, वैसे तो ये टॉप क्वालिटी फिशरी निकल के आई है, और दोस्तों इसकी क्वालिटी इसलिए और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई क्योंकि इसका जो मेल है वो ग्रीन ऑफलाइन यानी कि वाइल्ड में लगा हुआ है। और वाइल्ड बर्ड जितने भी होते हैं वो क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके यहाँ की ब्लड लाइन, जो कि आगे तक इनके जो बच्चे निकलेंगे वो अच्छी क्वालिटी के निकलते चले जाएंगे। दोस्तों इस वाले बॉक्स में दिखाता हूँ आपको, इसमें लुटिनो फिशर लगा हुआ है और एक लगा हुआ है येलो बुल स्प्लिट इनो। इसकी भी दोस्तों तीन बच्चे निकले हैं, एक बच्चा दोस्तों हमने फॉस्टर कर दिया है कॉलोनी में, कॉलोनी की ब्रीडिंग बाद में दिखाएंगे, पहले आप ये देखें ये तीनों बच्चे की क्वालिटी आप देखें, ये रेड आई है। इसके अलावा दोस्तों और भी बच्चे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी दोस्तों एक बच्चा और रेड आई है, यानी कि टोटल दो बच्चे इसमें रेड आई निकले हैं और दो बच्चे ब्लैक आई निकले हैं इसमें, जो कि एक बच्चा हम फॉस्टर मार चुके हैं। ये आप देखें ये दोनों रेड आई हैं, क्वालिटी आप अभी से देखें, इनका हुड देख लें आप अभी से, बिल्कुल रेड हुड आ रहा है। और ये तीसरा बच्चा है इसमें जो कि ब्लैक आई है, लेकिन हो गया दोस्तों ये स्प्लिट इनो, कन्फर्म स्प्लिट इनो है। दोस्तों मोस्टली बर्ड में मैंने अपने क्लोजिंग डाल दी है, अपने नाम की आसिम के नाम की मैंने क्लोजिंग डाल रखी है मोस्टली बर्ड्स में। दोस्तों कुछ बच्चों में मैं रिंग डालने से रह जाती है, क्योंकि जब बच्चों का साइज़ बड़ा हो जाता है तो उनका पैर भी बड़ा हो जाता है, उस टाइम इनके क्लोजिंग नहीं आ पाती है। दोस्तों ये आप देखें, ये लुटिनो ऑफलाइन की फीमेल है जो कि अंडों पर बैठी है, आप इसका हुड देखें, उसकी क्वालिटी देखें, मैं इसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहूँगा, ये अंडे लेकर बैठी है, सारे अंडे फर्टाइल हैं, तो लुटिनो ऑफलाइन भी इंशाल्लाह बच्चे निकल के आएंगे। दोस्तों ये पेयर देखें, ये फिशरी का पेयर है, और ये पारब्लू फिशरी इनटू मॉव फिशरी का पेयर हमने लगा रखा है। इसने देखें दो बच्चे इसमें निकाल रखे हैं, चार अंडे दिए थे दोस्तों, दो अंडे ख़राब हो गए इसके, कोई बात नहीं दोस्तों, कहीं दो बच्चे भी निकलते हैं, कहीं चार बच्चे, कहीं पाँच बच्चे, कहीं छः बच्चे, ऐसे रिजल्ट रहते हैं। जहाँ दोस्तों छः या सात बच्चे होते हैं वहाँ हम एक ही फीमेल से इतने बच्चे नहीं पलवाते, उनके बच्चे फॉस्टर कर देते हैं। अब इसने जैसे कि दो बच्चे इसने निकाले हैं, इसको हम दो बच्चे और दे देंगे किसी और के, इससे दोस्तों हम चार बच्चे पलवाएंगे बाद में। अभी थोड़े से बच्चे और हम सर्च करेंगे इसके अंदर कहाँ कहाँ हैं। दोस्तों ये पेयर लगवाए ग्रीन ऑफलाइन यूविंग स्प्लिट ब्लू इनटू वॉलेट पार ब्लू फिशरी का। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी चार बच्चे निकाले थे, जिसमें से एक बच्चा हमने कॉलोनी में दे दिया और तीन बच्चे इससे पलवाए हैं। ये आप देखें तीनों बच्चों की क्वालिटी देख लें, इसमें देखें एक है आपका ग्रीन ऑफलाइन यूविंग, मुझे ये यूविंग बनते हुए नज़र आ रहा है, बाद में देखेंगे सादा निकला या यूविंग, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है शायद ये यूविंग निकल के आ रहा है। इसके हुड देखें आप और क्वालिटी देखें, इसकी मार्किंग देखें, एक नंबर की मार्किंग आ रही है। दोस्तों ये रोकने लायक बच्चे हैं, इनको हम हो सकता है रोकेंगे अपने अगली म्यूटेशन तैयार करने के लिए। और साथ में दोस्तों देखें ये एक फिशर भी निकला है जो कि स्प्लिट ऑफलाइन है, ठीक है। पहले मैं आपको उसका हुड दिखाता हूँ, उसकी क्वालिटी देखें दोस्तों आप, बहुत एक नंबर की क्वालिटी निकल के आई है। दूसरा बच्चा भी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, दोस्तों ये है ब्लू फिशर यूविंग जो कि स्प्लिट ऑफलाइन है, इसकी भी आप क्वालिटी देखें, इसकी मार्किंग देखें दोस्तों, बहुत क्लासिक मार्किंग आई है। दोस्तों इसको भी अगर हम ग्रीन ऑफलाइन यूविंग दे देंगे अगले सीज़न के लिए, तो दोस्तों ये भी टॉप क्वालिटी के बच्चे निकालेगा जो कि ऑफलाइन में आएंगे मोस्टली। ये आप देखें दोस्तों वॉलेट ऑफलाइन की फ़ीमेल निकल के आई है। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें डीएनए कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस तरीके के जो पेयर्स होते हैं अगर आप जेनेटिक कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दोस्तों ये फीमेल है कंफर्म। ये देखें ये वॉलेट ऑफलाइन की फ़ीमेल है, इसका हुड देखें अभी से कितना क्लियर आया है। और दोस्तों हमने लगाया क्या, सिर्फ फिशरी, और वो भी ऑफलाइन के साथ, तो
तो दोस्तों इस तरीके की क्वालिटी निकल के आई है बिना वाले टॉप लाइन के। तो ये दोस्तों कारीगरी होती है, ये दोस्तों क्लासिक बच्चे जो निकल के आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। आप भी दोस्तों इसी तरीके का पेयर लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे बर्ड परचेस करके ब्रीडिंग कराएं, सस्ते बर्ड परचेस करके आप टॉप क्वालिटी के बच्चे बना सकते हैं। चलते हैं अगले बॉक्स की तरफ और वहाँ पर जाके चेक करेंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कितने बच्चे या कितने अंडे हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, काफ़ी सारे दोस्तों मैं आपको और बच्चे दिखाऊंगा, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, बहुत सारी बच्चे दिखाने बाकी हैं। ये देखिए दोस्तों एक पेड़ यहाँ बैठा है फिशरी का, दोस्तों ये बच्चे लेके बैठा है। तारीफ की बात दोस्तों ये है कि दोनों बर्ड जितने भी हैं दोनों मेल फीमेल दोनों स्प्लिट इनो हैं और इन दोनों ने दोस्तों अल्बाइनो का बच्चा निकाला है, एक जो कि कन्फर्म अल्बाइनो निकला है। अब बड़ा हो जाएगा तो आपको दिखाते हैं इसको। दोस्तों चलते हैं अगले बॉक्स की तरफ, इसमें आप देखें इसके अंदर देखें ये दो मेल फीमेल नज़र आ रहे हैं आपको जो कि दोनों स्प्लिट इनो हैं और फिशर जो है स्प्लिट ऑफलाइन है। दोस्तों इसने तकरीबन चार बच्चे निकाले हैं, लेकिन दोस्तों इसके जो रेडाई दो बच्चे आए हैं वो देखेंगे कि बड़े होकर क्या बनेंगे। अगर वो लुटिनो ऑफलाइन निकल के आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो फिशर निकल के आते हैं तो दोस्तों वो स्प्लिट ऑफलाइन हो जाएंगे अगर वो मेल हुए डीएनए में, तो अगर फीमेल हुए तो दोस्तों वो स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होंगी। दोस्तों इसके ऊपर भी किसी दिन वीडियो बना के आपको समझाऊंगा पूरा, इसके बारे में बहुत इजी वे में समझाऊंगा। दोस्तों आप देखें एक पेयर यहाँ पर भी लगा हुआ है जिसमें वॉलेट फिशरी की फीमेल है और वॉलेट फिशर पारब्लू यूविंग का दोस्तों मेल है। तो दोस्तों अभी दो तीन बच्चे लेके बैठी है फीमेल, डिस्टर्ब करना नहीं चाहूँगा, देख सकते हैं आप बच्चे इसके नीचे हैं छोटे छोटे, डिस्टर्ब करना नहीं चाहूँगा, पहले बच्चे बड़े हो जाएँ फिर आपको इसका कलर दिखाऊँगा। दोस्तों ये पेयर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसको हम ऐसे ही बंद कर देते हैं और चलते हैं अगले बॉक्स की तरफ। दोस्तों कुछ बॉक्स मैंने बाहर लगाए हैं, कुछ अंदर लगाए हैं, स्पेस के अकॉर्डिंग काम किया है। दोस्तों जब बड़ा फार्म बन जाएगा तो उसके हिसाब से फिर हम सारे बॉक्स बाहर लगाएंगे। ये आप देखें दोस्तों इस वाले पेयर को दिखाता हूँ, ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू है और फीमेल देखें ये वॉलेट फिशरी है, लेकिन दोस्तों इसके दोनों बच्चे मेल आए हैं जो कि ग्रीन फिशरी है, स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू। तो दोस्तों ये ग्रीन फिशरी के मेल हैं, लेकिन दोस्तों अगर ये टॉप क्वालिटी के निकल के आते हैं तो ये दोनों बर्ड भी काम के होंगे, क्योंकि जितना फिशरी होगी उतनी अच्छी ऑफलाइन की क्वालिटी बना के देते हैं। अगर आपको आगे तक वर्किंग करनी है, आगे तक इस लाइन में रहना है, बर्ड इंडस्ट्री में रहना है, तो दोस्तों ग्रीन फिशर और ग्रीन ऑफलाइन का साथ ना छोड़ें। चलते हैं दोस्तों अगले बॉक्स की तरफ, इसके अंदर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितने बच्चे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर करीब तीन चार बच्चे हैं, मेल फीमेल बैठे हुए हैं और माशाल्लाह ये काफ़ी बड़े बच्चे हो गए हैं। ये कुछ ही दिन में सेल्फ होके बॉक्स से बाहर आ जाएंगे और फिर हम इसको अलग कर देंगे अपने मेल फीमेल से। ये देखें दोस्तों एक पेयर यहाँ बैठा हुआ है, दोस्तों ये भी अंडे लेके बैठा है और इसने भी दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सारे अंडे दे रखे हैं और पहला बच्चा भी निकल के आ चुका है इसमें से। दोस्तों सारे अंडे फर्टाइल नज़र आ रहे हैं तो इसका भी वेट करेंगे। मोस्टली दोस्तों ये पेयर जो है यूविंग निकलता है। ये देखें दोस्तों एक जोड़ा यहाँ बैठा हुआ है, दोनों पारब्लू फिशरी हैं और ये अंडे लेके बैठे हैं। इस वाले बॉक्स में दोस्तों चेक करते हैं, दोस्तों एक जोड़ा यहाँ बैठा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। एक फीमेल दोस्तों यहाँ बैठी है कुछ अंडे लेकर, जो कि कुछ अंडे ठीक हैं और कुछ ख़राब हो गए। दोस्तों जो रियलिटी होती है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें दोस्तों कितनी खूबसूरत फीमेल है यहाँ बैठी हुई है पारब्लू में, मेल इसका बाहर है यूविंग में। अब देखते हैं कितने अंडे देती है, कितने बच्चे निकालती है। ये आप देखें दोस्तों एक बच्चा इस वाली फीमेल ने भी निकाल दिया है और करीब पांच अंडे बाकी हैं इसमें। दोस्तों ये ऑफलाइन का पेयर है। दोस्तों इस वाले बॉक्स में चेक करते हैं, इसमें देखें पारब्लू ऑफलाइन की फीमेल बैठी है और माशाल्लाह इसने काफ़ी सारे बच्चे निकाल रखे हैं। एक बच्चा दोस्तों मैंने फॉस्टर कराया इसके पास, इसके अपने चार बच्चे थे, पाँच बच्चे दोस्तों इसके पास भी हैं। इस वाले पेयर में दोस्तों चेक करते हैं, देखें दोस्तों चार पांच बच्चे इसके अंदर भी आपको नज़र आ रहे हैं। दोस्तों सारे ये ब्लू सीरीज़ के आए हैं, दोस्तों ये भी ऑफलाइन का पेयर है और ब्लू सीरीज़ के बच्चे निकल के आए हैं। दोस्तों दोस्तों इसमें चेक कर सकते हैं, दोस्तों ये पेल फैलो का पेयर है और इसने भी दोस्तों दो बच्चे निकाल रखे हैं, एक बच्चा दोस्तों मैंने फॉस्टर कर रखा है दूसरे पेयर का, टोटल चार बच्चे हैं दोस्तों उसके अंदर। तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग चल रही है दोस्तों इसमें, ये सारे के सारे स्प्लिट पेल फैलो निकले हैं। एक बच्चा दोस्तों उसके अंदर येलो वाला स्प्लिट इनो है, जो कि दोस्तों मैंने फॉस्टर कराया दूसरे पेयर से, क्योंकि उसने एक ही बच्चा निकाला था तो मैंने उसको यहाँ लगा दिया।
तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, आपके यहाँ के जो बर्ड हैं वो सही से बच्चे पाल लेते हैं और ब्रीडिंग ज़्यादा मिल जाती है आपको। दोस्तों इस वाले बॉक्स में चेक करते हैं, इसमें आप देखें दोस्तों मेल फीमेल बैठे हैं, मेल इसमें वॉलेट ऑफलाइन का है, फीमेल वॉलेट फिशर पारबिलू में है। और दोस्तों इसने भी बच्चे निकालना शुरू कर दिए हैं, देखते हैं कितने बच्चे निकालती है और कौन से बच्चे निकल के आते हैं। अगर फीमेल आएंगी सारी ऑफलाइन आएंगी, मेल आएंगे सारे फिशर आएंगे, पारबिलू फिशर भी हो सकते हैं मेल और नॉर्मल वाइट फेस फिशर भी हो सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं तीन बच्चे इसके अंदर हैं, एक इसके अंदर रेड आई है जो कि दोस्तों मैंने फॉस्टर करा था इसके साथ, और इसके दो बच्चे मैंने कॉलोनी में फॉस्टर कर दिए, क्योंकि दोस्तों मैं जो हूँ फॉस्टरिंग तभी करता हूँ जब मुझको बच्चों की लेवलिंग करनी हो, बच्चों को बराबर लेवल करने हो। क्वालिटी देख सकते हैं ऑफलाइन की एक नंबर क्वालिटी है, एक नंबर की। और दोस्तों क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए मैं ग्रीन ऑफलाइन का सहारा लेता हूँ, ग्रीन फिशरी का सहारा लेता हूँ, आप भी सहारा ले सकते हैं। ये देखें ये ऑफलाइन की क्वालिटी देखें आप, एक नंबर क्वालिटी है और ये भी अंडों पर बैठी है। दोस्तों जब तक आप ग्रीन ऑफलाइन नहीं लगाएंगे आपके यहाँ क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, ब्लड लाइन स्ट्रॉक नहीं हो पाएगी। ये देखें दोस्तों इस वाले पेयर ने भी तीन बच्चे निकाल रखे हैं और एक अंडा बकाया है, और दोस्तों तीन नहीं चार बच्चे हैं इसके अंदर, यानी कि पाँच अंडे दिए थे इसने। अब दोस्तों बताइए कि क्या लब्बड़ ब्रीड नहीं करता? लब्बड़ दोस्तों बजरी की तरह ब्रीड करता है, बस करवाने वाला हो, ब्लड लाइन स्ट्रांग हो तो खूब ब्रीड करता है। पेयर बड़ा खूबसूरत दोस्तों, ये भी अंडों पे आ गया है और ये भी एक्स पर आ गया है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे इस पेयर को। ये भी यहाँ भी दोस्तों मैंने ग्रीन ऑफलाइन लगा रखा है मेल, और हर जगह दोस्तों ग्रीन ऑफलाइन एक एक मैंने ज़रूर दे रखा है, और बच्चे भी दोस्तों दोनों तरीके के मिलते हैं। ये आप देखें दोस्तों चार बच्चे इसके अंदर हैं जो कि दो ग्रीन सीरीज़ में हैं और दो ब्लू सीरीज़ में हैं, ये भी दोस्तों ऑफलाइन का पेयर लगा हुआ है, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये देखें ये एक जोड़ा यहाँ लगा रखा है, ये भी अंडों पर है, लेकिन दोस्तों इस वाले जोड़े के बच्चे दिखाता हूँ मैं आपको, लुटिनो फिशर रेड आई स्पेटिनो के। दोस्तों ये भी बच्चे लेके बैठी है फीमेल, इसको हटा के दिखाते हैं आपको। देखें दोस्तों ये तीन बच्चे हैं, और ये जो फीमेल है बहुत केयरिंग है, ये अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले बॉक्स की तरफ, इसके अंदर भी दोस्तों आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें ये फीमेल बैठी है और अभी से ही अटैक करने को तैयार है, करीब चार पांच बच्चे लेके ये भी बैठी है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें वाइट ब्लू स्पिटिनो की फीमेल है और लुटिनो फिशर रेड आई स्प्लिट ब्लू का मेल है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं फीमेल बैठी है और कुछ अंडे और कुछ बच्चे लेके बैठी है। दोस्तों ये पेयर एक रेड आई है एक ब्लैक आई है, जो कि देखें आप सारे के सारे बच्चे वाइट में आए हैं, यानी कि सारे बच्चे ब्लू सीरीज़ में आए हैं, और दोस्तों ये जो पेयर है ये स्प्लिट ब्लू है, इस वजह से हमको सारे बच्चे ब्लू सीरीज़ में मिले हैं। ये देखें दोस्तों ये जोड़ा यहाँ बैठा है और ये भी अंडे लेके बैठा है, तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। दोस्तों कॉलोनी में आ चुके हैं, ये फीमेल अंडों पर बैठी है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, चलना है दोस्तों अगले बॉक्स की तरफ। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाले बॉक्स के अंदर भी कुछ बच्चे हैं, एक अंडा है, इसमें से भी दोस्तों बच्चा ज़रूर निकलेगा क्योंकि ये अंडा फर्टाइल है, तो इसमें पांच बच्चे हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कॉलोनी का रिज़ल्ट भी दोस्तों अच्छे हैं। चलते हैं दोस्तों अगले बॉक्स की तरफ और उसके अंदर दिखाते हैं कि आपको उसमें कितने बच्चे या कितने अंडे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर तीन बच्चे हैं, दोस्तों इसके अंदर एक बच्चा फॉस्टर करा हुआ है, दोस्तों ये भी एक नंबर का है फॉस्टर करा हुआ बच्चा भी। ये आप देखें दोस्तों इसके अंदर लुटिनो फिशर भी दोस्तों निकाल दिया है ब्लैक आई ने। दोस्तों हमारे यहाँ के ब्लैक आई की ये खासियत मैंने देखी है, ब्लैक आई इंटू ब्लैक आई लग कर भी दोस्तों रेड आई बच्चे निकलते हैं, क्योंकि मोस्टली बर्ड मेरे स्पिटिनो आपस में लगे हुए हैं, तो सादा बर्ड नहीं है, सारे बर्ड में क्वालिटी कुछ ना कुछ मिलेगी आपको। ये आप देखें ये ग्रीन ऑफलाइन की क्वालिटी आप देखें, माशाल्लाह ऑलिव में आया है, लेकिन ये स्प्लिट ब्लू कन्फर्म है, छोटा सा था तब फर्स्ट हमारा था इसको, और ये बहुत अच्छी फीमेल है, कंफर्म फीमेल है दोस्तों, इसका डीएनए कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसकी मार्किंग देखें दोस्तों एक नंबर की मार्किंग आई है, तो मैं तो दोस्तों उसको रोकने वाला हूँ, इसको मैं सेल नहीं करूँगा इस वाले बच्चे को, क्योंकि क्वालिटी इसकी ऐसी है जो दिल को खुश कर दे। और दोस्तों ग्रीन ऑफलाइन भी बहुत खूबसूरत बर्ड होता है, और दूसरी खासियत दोस्तों इस बर्ड की ये होती है कि आपकी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग और मार्किंग को इम्प्रूव करता है। दोस्तों ये बच्चा भी येलो बुल ने निकाल दिया है, पता नहीं ये अजीब सा कलर निकाला है वाइट और ब्लू सीरीज़ में, ब्लू इसमें देखें इसमें शेड आ रहा है। और दोस्तों ये भी दोस्तों स्पिट इनो हो सकता है पॉसिबल में, क्योंकि मेल फीमेल स्पिट इनो कन्फर्म है, तो ये पॉसिबल में है,
लेकिन इम्पॉसिबल वाले भी दोस्तों स्पीड इनो निकलते ही हैं मेरे यहाँ के, मैंने देखा चलते हैं दोस्तों अगले बॉस की तरफ। इसमें देखें फीमेल ने अंडे देना शुरू कर दिया है और नेस्टिंग दोस्तों उसमें मैंने लगाई थी, ये सब खा गई, पता नहीं क्या हुआ। इस वाले बॉक्स में दोस्तों चेक करते हैं, इसमें माशाल्लाह चार बच्चे हैं और जिसके अंदर दोस्तों एक वाइट बुल निकाला है इसी पेयर ने और एक लुटिनो फिशर निकाला है इसी पेयर ने। तो दोस्तों इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो पेयर है सारे स्पिटिनो हैं और ये वाइट बुल भी जो निकल के आया है दोस्तों वो कहीं ना कहीं स्पिटिनो बन जाएगा, स्पिटिनो ही होगा वो, लेकिन हम पॉसिबल मान के चलेंगे उसको जब तक टेस्ट ब्रीड ना हो जाए। तो माशाल्लाह ये चारों बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, चारों क्वालिटी अच्छी है, अभी बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छी मार्किंग के साथ ये बड़े होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले बॉक्स की तरफ। इसमें दोस्तों देख सकते हैं चार अंडे हैं और दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो दोस्तों मैं कॉलोनी से निकाल चुका हूँ। ये देखें ये अंडों पर बैठी है, ये अंडों पर बैठी है और डर की वजह से साइड में हो गई है। ये दोस्तों देख सकते हैं अंडों पर बैठी है फीमेल और इसके नीचे भी शायद देखें कुछ बच्चे हैं। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं चार पांच बच्चे इसके अंदर भी हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बाकी के बर्ड्स पेल फैलो और दूसरे ऑफ लाइंस वगैरह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। अगर आपको बर्ड्स चाहिए हमसे तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के हम बर्ड दे देंगे। दोस्तों इसके अंदर भी देखें कुछ बच्चे आ चुके हैं। चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।